हाँ जी, स्पीच आई है, स्पीच इसकी फरमाइश भी आ गई है। तो रविंदर ग्रिवाल हैं, अच्छा उन्होंने स्पीच की है वहाँ पे धरने पे, चेक करें। लभदा हुंदा सी जी नूं गीतां दे अरौलियां चों आ सड़कां ते बैठा करे पाठ जी ए भी ओवें सुत्ता ए सराणा ला के इट दा ओए माछी वाड़े सुत्ता जिवें बाप सी तुंता छांट पो दियां धुंदा छांट पो दियां चढ़िया सूरज बन टुट गया नैणा दे सैलाब दा आ धरने चो लभ गए गुआचे होए पुत अज ताही मुख खिड़िया पंजाब दा मोर्चे चो लभ गए गुआचे होए पुत अज ताही मुख खिड़िया पंजाब दा ओए इत्थे ने भगत सिंह ऊधम सराबे इत्थे ने भगत सिंह ऊधम सराबे नाले बापू ने बघेल सिंह नाल दे ओए कालिया कानूना मूरे अड़ी है जवानी सीगे चिट्टे दिया पुड़िया चो पाल दे ओ माटी चीमे खतरा है अज भी हकूमतां नूं खेतां विच वजदी रबाब दा धरने चो लभ गए गुआचे होए पुत अज ताही मुख खिड़िया पंजाब दा ओए मोर्चे चो लभ गए गुआचे होए पुत अज ताही मुख खिड़िया पंजाब दा सत श्री अकाल। मेरे सत्कारयोग बुजुर्गों, मेरिया मावां, साडियां भैणां और छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि इस मोर्चे दा हर कोई हिस्सा बनया और मेरा ख्याल जिहड़ा हले तक नहीं भी पहुंच सकिया वो दुनिया च कितें भी बैठा जिहड़ा किसानी नूं प्यार करदा और उहदा दिल जरूर लूरियां भरदा इत्थे पहुंचण लई, वो दिलों वो रूह दे नाल इस मोर्चे दे विच शामिल है। क्योंकि बाबे नानक दी मेहर बड़ी हुई है, इन्ने लोगों का इकट्ठे होना और भेदभाव दूर होने, जिहड़ियां छोटिया मोटिया पिंडां दे विच पहलां पार्टियां हुंदियां अपनियां, छोटा मोटा हरेक अपनी सभा का प्रधान बनिया हुंदा, अपने महल्ले का प्रधान हुंदा, सो वह चीज़ां उत्थों शुरू होईयां, छड के फिर शहरां तो बाहर निकलियां, फिर स्टेटां तो बाहर निकलियां, तो हुण सारिया ने ऐसी जफ्फी इस मोर्चे ने पवाई है। सो ये किसी करामात तो घट नहीं, मालक की मेहर तो बिना यहोजा कुछ होना पॉसीबल नहीं। और कई बार इतने भी पत्रकार सवाल पूछ लेंगे है जी, कि सफलता मोर्चे को मिली है, कि तुम समझते हो? सो प्राप्तियां तो मोर्चे दियां इन्नियां ने हले तक दियां, ये कानून तो रद्द हो ही जाने हैं, ये तो बिना इस मोर्चे ने बड़ा कुछ देना लोगों को, ये सारी तस्वीर जी राजनीति की है ये मोर्चे ने बदल के रख देनी है। तुसी अज देखो लीडर ना अपना शीशा हमेशा अखबारों च देखते होंगे है सवेरे, भी कितने कितने फोटो छपियां, कितने कितने खबर लगियां, किहड़े चैनल ते आप आ रहे हैं, पर हुण लुक लुक के बाहर निकलना पै रहा इस कानून के सपोर्टरां नूं और लोग भजाउंदे आ। सो किन्ना क चिर ये नासी धूआ लिया पिया लोगों ने इस मोर्चे ने, कई बार आपां नूं लगदा हुंदा कि संघर्ष बड़ा शांतमई चल रहा, शायद सरकारां ते इस गल का कोई असर नहीं, पर असर बहुत ज्यादा है, जिहड़ा शांति का और जिहड़ा सबर का असर हुंदा ना, वो लड़ाइया नालों वो बल नालों कितने ज्यादा हुंदा, और उस मोर्चे नूं कोई हरा नहीं सकता। और मैं पहला कई बार ये गल की है इत्थे इंटरव्यूआं दे विच कि जिहड़े किसान मोर्चे दे विच जिहड़े साडे लोक बैठे है, किसान बैठे है, ये सरकार उन्हां नूं विरोधी पार्टियां समझदी है, जिवें उन्हां दी कोई अपोजिशन आ गई सामने, सो ये नहीं समझना चाहिए। पर अज मैं ये कहना चाहना, इन्हां ने अपनियां अपोजिशन तां खत्म कर लिया है ना, अपोजिशन पार्टी इन्नी कोई पावरफुल नहीं है सरकार दे सामने, पर किसानां दे रूप च इस मोर्चे दे रूप च एड्डी वड्डी अपोजिशन इन्हां ने सामने कर ली, खड़ी कर ली, जिहड़ियां इन्हां दीआं पुश्तां तों खत्म नहीं होण। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। सो कई बारी
अंडर एस्टिमेट कर लिया जाता लोगों नूं, जिवें पहला इन्हां दे जो डिक्टेटर बन के जो जो हुक्म आउंदे रहे, सो पहली बारी मत्था अगे पंजाबियां नाल लग गया और नाल फिर साडे हरियाणे वाले भाई हुण तां सारियां स्टेटां ही जुड़ गईआं। सो वो गल एक बड़ी पिछे जे चली सी बई इन्हां ने पढ़िया सी पेपरां च, कई बारी आपां पढ़ कुछ होर लैंदे आ, जदों सवाल कोई होर आ जाए फिर बंदा कदे तां नूं देखदा, कदे पेन जिहा चाके मूँह च चबण लग जांदा, आंसर आउंदा नहीं हुंदा ते उहदा हल नहीं लभदा हुंदा। सो इसे तरह इन्हां ने पढ़े सी हिंदू ते मुसलमान भी आपस च लड़ाई जाओ ते अपना राज चमकाई जाओ, है ना, पाड़ा पाई जाओ, ते उह पढ़िया उन्हां बारे सी, हुण पेपरां च सरदार आ गई। तो हुण समझ नहीं लगदी कि इह इन्हां नूं हल किवें करना। सो हुण भाईचारा इहो जिहा इकट्ठा हो गया, जिहड़ियां जफ्फियां इन्नी देर तों इन्हां सरकारां ने तड़ाइयां सी वो जफ्फियां पै गईआं साडे लोकां दीआं। सो मन बड़ा खुश आ और एडे एडे कद, क्योंकि लोगों के नाल ही लीडर होंगे, लीडर कोई उपरों रब तो बन के नहीं डिगदा। तुसीं यह देखो अज थोड़े प्यार ने, थोड़ी मुहब्बत ने, साढ़े किसान जथेबंदियों के लीडरों के कद एडे एडे करते कि उन्होंने सामने ये जो पोलीटिकल लीडर ने यह बोने लगते हैं, हम छोटे लगन लग, क्योंकि इन्हों व्डे तुसीं कीता, हुण लोग जिहदे मगर हो गए, जिहदे नाल लोग लहर आ उही बंदा वड्डा। सो बड़ा कुछ इस मोर्चे ने बदलिया और आने वाले टाइम दे विच भी ये राजनीति इको जी नहीं रहनी, बड़ा कुछ इतों होर बदल के जाना। सो एक होर बड़ा चढ़दी कला वाला गाना मैं याद आ रहा, सो ओदियां भी मैं दो लाइनां तुहाडे लई जरूर। गुलकार चेते आउंदा मालिक ओ जद नीले घोड़े दा, ओ जोश गुरु दियां फौजां विच फिरिया जे लोड़े दा, चेते आउंदा मालिक ओ जद नीले घोड़े दा, जोश गुरु दियां फौजां विच फिर आउंदा लोड़े दा, ओ बजदी आ ललकारे, बजदे आ ललकारे ते फिर नारे लगदे आ। श्री अकाल। ओ कंबदियां ने सरकारां जदों जकारे गजदे आ, कंबदियां ने सरकारां जदों जकारे गजदे आ, ओ जित्तण लई जंग फेर सूरमे अगे वधदे आ, कंबदियां ने सरकारां जदों जकारे गजदे आ। सत श्री अकाल। खाली हथी सट लैंदे हथियारां वालिआं नूं, ओए मुक्कियां दे नाल कुट लैंदे तलवारां वालिआं नूं, खाली हथी सट लैंदे हथियारां वालिआं नूं, मुक्कियां दे नाल कुट लैंदे तलवारां वालिआं नूं, ओ बिलासपुरी तूं देख अमनिआं पासे खड़के ओए, दुनिया सजदे करदी ऐ दस्तारां वालिआं नूं, ओए किथे दबदे हां किथे दबदे जावेरी दी हिक विच वजदे आ, कंबदियां ने सरकारां जदों जकारे गजदे आ, कंबदियां ने सरकारां जदों जकारे गजदे आ, ओ जित्तण लई जंग फेर सूरमे अगे वधदे आ, कंबदियां ने सरकारां जदों जकारे गजदे आ, कंबदियां ने सरकारां जदों जकारे गजदे आ। बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, खूबसूरत। सत श्री अकाल। सो बड़ा अज पंजाब भी खुश खुश लगता, जिवें मैं पहला लाइना बोलियां सी, खिड़िया खिड़िया पंजाब आ, जिन्हां नूं कदे नशेड़ी कहा गया, कदे तुहाडे ते अतवादी होण दा। सत श्री अकाल। सो उही गभरू अज तुहानूं इत्थे ट्रैफिक कंट्रोल करदे दिंदे आ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੰਨਾ ਨਿਮਾਣਾਪਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ, ਔਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਝੂਠੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਏ ਫਿਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ 5-7 ਗੋਹੇ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇਹ ਨੋਇਡਾ ਬਾਹਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੋਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਏਸੀ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਫੰਡਿੰਗ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
सो फिर पता लग जू कितों फंडिंग आउंदी आ सो ये काम भी जरूर करांगे सो इन्हां नूं मैनूं लगदा सरकारां तों वध ये गोदी मीडिया नूं तकलीफ होई होई आ ये सरकारां दी बोली उन्हां नालों ज्यादा तिखे तरीके नाल ये बोल रहा सो महाराज मुर्दाबाद किसान मजदूर एकता हुण जिंदाबाद यही रहनी है बाकी सारा कुछ मुर्दाबाद ही है उसे किसान भी नहीं कहा जा रहा छोटा सा इतना छोटा बच्चा देखो ये भावनावां ने जिहड़ियां निकल रहियां बच्चियां दे किन्ना गुस्सा मनां दे विच आ सो मैं यही गल कर रहा सी कि हुण किसान मजदूर एकता ही जिंदाबाद रहनी है बाकी सारा कुछ मुर्दाबाद ही है एक बच्चे दी होर इच्छा है इन्हां नूं इहनूं कैंसर बेचारे नूं हो गया सी कई वारी परमात्मा है ना ज्यादा धक्का कर जांदा बच्चियां दे नाल सो इहदी निगाह चले गई है इहदा भी इहदी इच्छा है नारा लाउण दी सो आपां सारिआं ने दब के आपां जवाब इहदा नारे दा देणा चल वी पुत्रा क्योंकि सबर बहुत है एक गल याद रखियो सबर दी लड़ाई लंबी जरूर हो सकती है सो आपां सारिआं ने साडे लीडर बड़े सुहिरद ने और बड़ा वधिया उह अगे लई सोच के लंबी सोच सोच के तुहानूं प्रोग्राम दसदे आ सो उहदे ते आपां फुल चढ़ाउणे आ गुस्सा सारिआं नूं आ क्योंकि साडे नौजवान शहीद हो रहे आ इस मोर्चे दे विच साडे बजुर्ग शहीद हो रहे आ और इदां अणगौलिया सानूं कीता जा रहा एक शब्द अज तक ना कि सरकार दे किसी मंत्री वालों ना किसी नुमाइंदे वालों एक शब्द नहीं उन्हां शहीदां दे लई और जिन्हां ने जाना इस मोर्चे लई गवाइयां उन्हां लई निकलिया कोई एक शब्द नहीं उन्हां वालों बोलिया गया सो महाराज इन्हां नूं समत देवे क्योंकि आम लोगों की जिहड़ी हा जदों दिलों निकलती है वह फिर पत्थरों नूं पाड़ दिंदी है कहिंदे हुंदे आ बड़ी दूर तक जाती है सो इन्हां नूं इह जिहड़े खून दे दाग इन्हां ने अपने लवाले लीड़ियां दे उत्ते जां होर लवा रहे आ इह धोणे इन्हां नूं औखे हो जाणगे सो जिन्नी छेती इन्हां कानूनां नूं रद्द करन और साडे लोक जो साडियां मावां साडे बजुर्ग इत्थे ठंड दे विच इन्नी ठंड च आए से जे मौसम इहो जिहे दे विच बैठे आ असीं सुखी सुखी सांदी अपने घरां नूं जाइए सो आपां लीडरां दी गल मन के जो भी अगे प्रोग्राम दिंदे आ उहदे मुताबक आपां चलना और सबर रखना तुहाडे सबर नहीं दुनिया हिलाई पई आ इह मेरी गल याद रखियो और बड़ी दूर दूर तक तुहाडी आवाज़ याद रही जा रही आ इह स्टेज आपां नूं इत्थे लगदी आ कि आपां इन्ने क लोग बैठे आ जां सामने जो इकट्ठ आ इही दिख रहा पर असली जो इत्थों मैसेज आ रहा जो दुनिया दे विच जा रहा दुनिया तुहानूं देख रही आ और इह जो सांझी वालता दा जो सरबत दे भले दा जो हरेक नूं जफियां पाउण वाला साडा जो धर्म सिखाउंदा ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਰੱਖੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਾਤਾਂ ਕੀ ਹੋਈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਕਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਨਿਕਲਤਾ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕਿ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਕੌਮ ਹੈ ਔਰ ਇਤਨਾ ਮੇਂ ਆਪਸ ਮੇਂ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ और सबसे अच्छी चीज़ ये हो रही है कि मैं ये बात ये कहने लगा था कि वो उनके जो ये जिसकी यानी जो एक जो इमेज जा रहा है ना उसकी वजह से जो खिलाफ बातें हो रही थी वो ऑटोमेटिकली वो तो रिवर्स हो गई हाँ कि वो जो उन्होंने बात की है ना कि जो यही पता नहीं उसको क्यों कहते हैं गोदी मीडिया लेकिन बहरहाल जो नाम दिया हुआ उन्होंने कि एक जो हाँ वो जो बिना वजह बस बोलते रहते हैं कि ये हो गया तो फलाना ये तो वो कर रहे हैं पढ़ने के लिए हालांकि वो अपने TRP के चक्करों में वो एम ही बिला वजह वो नहीं भी कोई बात होती जानबूझ के नहीं करते थे टिकट चला दिए या वो आज ये हो गया वो तो उन्होंने जानबूझ के करना होता है तो वो उनका भी फाश हो रहे हैं भाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं जो वहाँ जा रहा है जितने भी लोग जा रहे हैं हमें भी जो भी चीज़ें पता चल रही हैं वहाँ पे बिल्कुल पूरा मन है कोई मसला नहीं है बल्कि बाहर से लोग आ रहे हैं उनको वो खाना खिला रहे हैं गरीबों को यानी कि वो मदद कर रहे हैं वो वहाँ पे बैठे हुए तो
बहरहाल अल्लाह करे कि जल्दी से इनके हम्म, जो हैं मसाइल वो ख़त्म हो और गवर्नमेंट जो है वो बिल वापस ले और सब लोग खुशी खुशी घर जाए, हमारी तो दुआ है। नहीं जी, बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त स्पीच की है उन्होंने, हमें तो बहुत अच्छा लगा। बाकी आप भी देखें, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में रखें, रब रखा। अल्लाह हाफ़िज़।